शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम फटाफट से खाना बना दो। जी चाची जी। अब ये खाकर तुम ही बताना कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचें। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, इस हवेली के रसोई घर को तुम्हें अपना बनाना होगा। हमने निर्णय ले लिया है कि आज से इस रसोई घर में कौन सी चीज कहां होगी और किस तरह होगी, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। काव्या, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, इस हवेली के रसोई घर को तुम्हें अपना बनाना होगा। दादी, मैं सही कह रही थी, अगर मुझे इस रसोई के बारे में पहले से ही पता होता तो इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं होती। लेकिन अब मैं इस रसोई को अपने हिसाब से सजाऊंगी। अरे, आज तो चैप्टर 2 की पढ़ाई भी करनी है, करण सर मेरा टेस्ट लेने वाले हैं। क्या करूं, टाइम भी नहीं है। इतनी कठिन परीक्षा, इतना सब कुछ करती ना मैं तो आईएएस ही बन जाती। चलती किचन का काम खत्म कर, वरना आज तो गई। क्या करूं? अरे वाह, क्या बात है। सब कुछ अच्छे से सजा दिया तुमने, वेरी गुड। अब एक काम करो, तुम फटाफट शाही गरम मसाला भी बना दो। शाही मसाला? मैं तो भूल ही गई। तुम्हें कैसे पता होगा कि शाही गरम मसाला किसे कहते हैं? शाही गरम मसाला बहुत सारे खड़े मसालों को पीस कर बनाया जाता है। मैंने काफी सारे खड़े मसाले मंगा दिए हैं, तुम इन्हें पीस कर तैयार कर दो। वो वहां उस ड्रॉर में सबल रखा है और वो वहां ओखल रखा है। चलो शुरू हो जाओ। और ध्यान से काव्य, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तो अम्मा जी का गुस्सा तुम जानती जी। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो बेचारी भाभी के साथ? मैं जो कर रही हूँ वो मुझे अच्छे से पता है। पर ये तो गलत है। तुझे अपनी पढ़ाई कर। अच्छे से मसाले कूट देना, ठीक है? जी। अरे, जाते जाते भी पैकिंग हो रही है। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ओम भाई साहब ने हमें रोक लिया। फिर तो आयुष्मान मेरे साथ ही रहेगा। मेरा मतलब आयुष्मान और मैं साथ में कॉलेज जाएंगे। मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। आयुष्मान, अगले हफ्ते से हमारे एग्जाम शुरू होने वाले, और कॉलेज में आज सब लोग तुम्हारे नोट्स की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे
जिसके भी हाथ लगेगा उसे टॉपर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं है। वाओ, नोट्स, अब तो मेरा नाम भी टॉपर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं सना, ये काव्या के नोट्स हैं, मुझे उसे। काव्या पर तुम उसको नोट्स दोगे कैसे? उसके ससुराल जाके? नहीं, जाके तो नहीं दे सकता, क्या करूं? फोटोज तो भेज ही सकता हूं ना। ड्रॉवर में मैंने रखा है चाय पत्ती, चीनी और कॉफी। दूसरे ड्रॉवर में सारे दाल रखे हैं। और तीसरे ड्रॉवर में मैंने सारे मसाले रख दिए। अरे चलो, सब खत्म हुआ। हे महादेव, अगर शादी वाले सपनों में से एक सपना ऐसा भी आ जाता कि शादी के बाद मुझे इतना सब कुछ करना होगा, तो मैं पहले से सीख लेती ना। दादी माँ, आपने जैसे कहा था ठीक वैसे ही पूरी रसोई को मैंने अपने हिसाब से सजा लिया है और सारी एक प्रकार की चीजों को एक साथ रख लिया है। सारे डिब्बों पे लेबल भी लगा दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तुमने सब कुछ इतना वो अम्म जितना तुम्हारा फोन बज रहा है उतना तो करण का भी नहीं बचता, जबकि वो इतने सारे फैक्ट्रियों का मालिक है। सॉरी दादी माँ। वैसे कौन है ये जो तुम्हें इतने मैसेजेस कर रहा है?
मैंने कहा देखो तो किसके मैसेजेस है। जी अम्मा जी। अम्मा जी ये तो कोई आयु है। वो आयुष्मान का नाम ही आयु है। इसने तो काफी सारे फोटोज भेजे हैं। वो फोटोज नहीं है, कॉलेज के इंपॉर्टेंट नोट्स भेज रहा है। तो तुम आयुष्मान को प्यार से आयु बुलाती हो? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि ये वही लड़का है ना जिसने भरे मंदिर में अपने हाथ पे कपूर जला के अपनी दोस्ती साबित की थी। जी जी दादी। फोन दो इसे। तुम अपने उस आयु को फोन लगाओ और फोन स्पीकर पर रखो। जी। हेलो हाँ कवि, तुम्हारे सारे फोटो मिल गए ना? सॉरी इस बार मैं फोटो कॉपीज नहीं दे पाया, इसलिए सोचा फोटो ही खींच के भेज दूं। इस बार वो परीक्षा नहीं दे रही, उसने पढ़ाई छोड़ दी है। वो अब घर गृहस्थी के काम में व्यस्त है। काव्या के साथ तुम्हारा दोस्ती वाला अध्याय बंद। तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाली कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इस हवेली की बहू है। आइंदा उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। आयुष्मान मेरे बचपन का दोस्त है। था। नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों की आहुति देनी पड़ती है। अब करण ही तुम्हारा पति भी है और दोस्त भी। शादी हो गई तो आयु मुझे फोन क्यों नहीं कर सकता? आखिर क्यों? कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। हे शिव जी, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूं? बोलिए बोलिए ना। आयुष्मान क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? दादी मैंने काव्य की पढ़ाई बंद करवा दी, पर अगले हफ्ते से एग्जाम्स, अब क्या करेगी वो? ऐसे तो उसकी पूरे साल की पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैंने भी गलत टाइम पे फोटोज भेज दी, उसकी परेशानी और बढ़ा दी। अब क्या करूं मैं, दोबारा फोन भी नहीं कर सकता उसे। काव्या काव्या काव्या, पता नहीं इसके सर से काव्या का भूत कब उतरेगा। वाह क्या कमाल की कारीगरी है त्रिभुवन सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मान गए आपको त्रिभुवन सेठ, दो बक्से लेकर गए थे और 10 बक्से लेकर आए हैं। अम्मा जी देखिए ना कितना सुंदर है। अम्मा
गहनों का मोल बक्सों से नहीं, उसके वजन से किया जाता है। आपको अगर शक है राजमाता, तो मैं वजन करके दिखा देता हूँ। पिछले 4 पीढ़ियों से हमारी सेवा कर रहे हो त्रिभुवन, भरोसा तो होगा ही, मगर ये भरोसा अगर तोड़ दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी जी इशिका। ये गहना नहीं, हमारे पुरखों की निशानी है। इसे इस तरह साफ करना कि एकदम नया लगे। राजमाता, ये जो गहने हैं इनके ऊपर बहुत ही बारीक काम हो रखा है और ये पुराने होने की वजह से बहुत ही नाजुक भी हो चुके हैं। सफाई करने में इनके टूटने का डर है। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप ये सब पुराने गहने तोड़कर इनके जैसे नए गहने बना दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही करता हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना अम्मा जी? वैसे भी ये पुरखों वाले डिजाइन बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, नई पीढ़ी को पसंद नहीं आएंगे। लो, चाय आ गई। धन्यवाद। क्या कर रही हो काव्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी चाची जी। अच्छी बनी है चाय। राजमाता, आप बेफिक्र रहिए, ये जो पुराने दुर्लभ और अनमोल गहने हैं इनके बदले में एकदम नया फ्रेश और उम्दा डिजाइन बना करके दूंगा। कुछ कहना है? जी, मैं कहना चाहती थी कि इन दुर्लभ गहनों की खूबसूरती और कारीगरी को देखकर इस हवेली के पुरखों की शान का पता चलता है। और ये गहने सिंह खानदान की विरासत है। इन गहनों को तोड़कर नए गहने बनाना मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि नए गहने तो कभी भी पैसे देकर बनवाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कारीगरी पैसे बहाकर भी नहीं बनवाई जा सकती। दादी माँ, मेरे पापा जी की छोटी सी कालीन की दुकान है। 5 से 10 साल चलने वाली कालीन की सफाई करके उसकी उम्र 15 साल की बना देते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि नए डिजाइन्स तो बनते रहेंगे, पर पुरानी कारीगरी की तो बात ही कुछ और होती है। हमारे पुरखों की दी हुई विरासत हमारे परंपरा और संस्कृति की पहचान है। इन्हें संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये काव्या कहीं मेरा खेल ना बिगाड़ दे। अरे काव्या,
कैसी बातें कर रही हो? कालीन की तुलना इन गहनों से कर रही हो? अम्मा जी, ये काव्या की फालतू बातें मैं और नहीं सुन सकती। और आप हमारी नई बहू की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। वो क्या है ना, काव्या थोड़ी सी भावनाओं में बह गई है। आप ये सब सामान उठाइए और चलते बनिए। जी बिल्कुल ठीक है। चाची जी, मैंने अगर कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ त्रिभुवन। हमारी नई बहू ने कुछ गलत नहीं कहा। ये गहने तोड़ने नहीं हैं, सिर्फ साफ करने हैं, और वो भी बहुत सावधानी से। हमारे पुरखों की धरोहर है ये, समझे? जी जी राजमाता, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया। मैं ये तमाम पुराने गहने ले जाता हूँ, सिर्फ इनकी सफाई करके अच्छे से फिर इनको वापस ले आता हूँ। अच्छा नमस्ते। ये जो नए गहने आए हैं ये हमारे तिजोरी में रखवा दो। जी अम्मा जी। बातें हमें अच्छी लगी काव्या। इस हवेली के रीति अनुसार कल लक्ष्मी पूजा होगी, उसमें ये सारे नए गहने रखे जाएंगे और उसके बाद ही कोई इसे पहन पाएगा। काव्या, आज तुमने सांप के दिल में हाथ डालने वाली गलती की, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अम्मा जी, क्या हुआ मेनका, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ चाची जी? ये 9 बॉक्सेस हैं, कल तो 10 थे ना। ये सारे बॉक्सेस तुमने ही कल तिजोरी में रखे थे ना। या तो चोर घर के बाहर से अंदर आया है या फिर घर के अंदर ही कोई चोर है। गहने का बक्सा आज गायब हुआ है तो तलाशी होगी सबके कमरों की। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।